तो दोस्तों यार, क्या आपको भी अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल बनाना नहीं आता है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में काइन मास्टर से एक YouTube थंबनेल बनाकर दिखाने वाला हूं, जिसे देखकर आप भी जो है अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल बनाना सीख सकते हैं। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे भाई पागल हो गया है क्या, काइन मास्टर से कैसे थंबनेल बना सकते हैं, काइन मास्टर से तो वीडियो को एडिट किया जाता है। तो दोस्तों मुझे पता है कि काइन मास्टर से वीडियो को एडिट किया जाता है, पर बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि काइन मास्टर से यूट्यूब थंबनेल भी बनाया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में काइन मास्टर से एक यूट्यूब थंबनेल बनाकर दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आप भी जो है अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सा आपको अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर YouTube वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों YouTube वीडियो का साइज होता है 16:9:1, तो आपको इसमें क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर इमेज के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने काइन मास्टर के ऐसे बहुत सारे बैकग्राउंड इमेज आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से एक बैकग्राउंड इमेज में क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं इस वाले बैकग्राउंड इमेज में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप चाहे तो इस बैकग्राउंड इमेज का कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप इसका कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका कलर को चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा लेयर का, तो आपको सिंपल यहाँ पर इस लेयर के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऐसे बहुत सारे ऑप्शन खोलकर आ जाएगा। तो आपके यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा मीडिया का, तो आपको सिंपल यहाँ पर इस मीडिया के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही मीडिया के ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर आ जाएगा। तो आपको फिर से यहाँ पर इमेज के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इस बार दूसरा वाला इमेज बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इस बार ब्लैक वाला इमेज बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इसे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर साइट में लगा देता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से साइट में इसे अच्छी तरीके से लगा देता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बैकग्राउंड जो है दो कलर में चेंज हो चुका है। ब्लैक इधर ब्लैक दिख रहा है और इधर दूसरा कलर दिख रहा है। तो आपको फिर से यहाँ पर लेयर के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा टैक्स का, तो आपको सिंपल यहाँ पर इस टैक्स के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप अपने YouTube वीडियो के थंबनेल में क्या टैक्स लिखना चाहते हैं आपको यहाँ पर उस टैक्स को टाइप कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ काइन मास्टर। काइन मास्टर लिख के दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ पर लिख लेता हूँ से। आपने YouTube थंबनेल में देखा था ना कि काइन मास्टर से YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, तो पहले मैं यहाँ पर काइन मास्टर से लिख लेता हूँ, उसके बाद सिंपल से यहाँ पर ओके के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इसमें क्लिक करके आप इसे छोटा या बड़ा कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको इसे ले जाकर कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है। अब दोस्तों आप कहाँ पर एक डबल ए जैसे आइकन दिख रहा होगा, तो आपको इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे बहुत सारे फॉन्ट आ जाएंगे, तो आप उस टेक्स्ट का फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फॉन्ट में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपल से आप कहाँ पर राइट के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप इस टेक्स्ट का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो
तो आपको इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस टेक्स्ट का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट का कलर को चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्वैप अप करना है। स्वैप अप करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आउटलाइन का, तो आपको यहाँ पर इस आउटलाइन के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपल यहाँ पर इस आउटलाइन को कुछ इस तरीके से ऑन कर लेना है। तो आप जैसे ही इस आउटलाइन को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर इसका स्टॉक जो है ऑन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप पिक्सल लैब ऐप में यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा स्टॉक का, तो आप स्टॉक को ऑन करते हैं तो यहाँ पर साइड साइड कुछ इस तरीके से चेंज होता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी आउट साइड में क्लिक करके आप इसका स्टॉक को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इसका स्टॉक का कलर को रेड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। मैं आपको बस दिखाने के लिए इस स्टॉक का ऑप्शन को आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर लेयर के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा इस बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब। लिखने के बाद दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ पर ओके के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कुछ इस तरीके से बड़ा करके मैं यहाँ पर इसे लगा देता हूँ। अब दोस्तों आप चाहे तो इस टेक्स्ट का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस कलर के ऑप्शन में क्लिक करके, तो मैं इसका कलर को चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आउटलाइन में क्लिक करके इसका आउटलाइन को कुछ इस तरीके से ऑन कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं इसका आउटलाइन का कलर को कुछ इस तरीके से चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका आउटलाइन का कलर को भी चेंज कर दिया है। अब आप चाहे तो इसका आउटलाइन का कलर को भी कुछ इस तरीके से कम या ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ इस तरीके से 7% कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल से यहाँ पर राइट के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं फिर से यहाँ पर लेयर के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपल से मैं यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सिंपल से यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ थंबनेल। थंबनेल लिख के दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ पर ओके के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं इसे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ। अब दोस्तों मैं इसका कलर को भी चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आउटलाइन में क्लिक करके मैं इसका आउटलाइन का कलर को भी कुछ इस तरीके से चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल से यहाँ पर राइट के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ पर लेयर के ऑप्शन में फिर से क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल से यहाँ पर लिख लेता हूँ बनाना सीखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है बनाना सीखें। अब मैं इसे कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब मैं सिंपल से यहाँ पर लेयर के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपल से मैं यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपना एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने अपना एक फ़ोटो का बैकग्राउंड को रिमूव किया है, मतलब कि मैंने अपना एक फ़ोटो को PNG बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर अपना एक फ़ोटो PNG को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप अपना फ़ोटो का PNG बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना इस वाले फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इस इमेज में क्लिक कर लेता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से साइट में लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा थंबनेल जो है लगभग बनकर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काइन मास्टर लिखा है। तो हम अगर काइन मास्टर के जगह पर अगर काइन मास्टर का एक लोगो को लगा देते हैं तो यहाँ पर थंबनेल देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके काइन मास्टर का एक लोगो को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काइन मास्टर का लोगो को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काइन मास्टर के जगह पर
काइन मास्टर का लोगो को लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर यूट्यूब के जगह पर एक यूट्यूब का लोगो को भी लगा देता हूँ ताकि थंबनेल देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से लेयर के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल से यहाँ पर यूट्यूब का एक लोगो को लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा थंबनेल जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको इसे गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ पर साइट में एक आइकन दिख रहा होगा, तो आपको इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर कैप्चर एंड सेव के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही कैप्चर एंड सेव के ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं आपका ये थंबनेल आपके गैलरी में सेव हो जाएगा।